MSc third semester. Now, when we were in the initial lecture, we were studying about the nomenclature of fused heterocyclic ring. In continuation of that, we'll take few more examples like how to number the heterocyclic rings. Numbering of fused heterocyclic ring system. The position of hydrogen. The position of hydrogen is denoted by an italic H and is placed before the second attachment component and is given the lowest possible locant. यानी जब हम numbering करते हैं तो जो saturated atom है उसको हम italic H से represent करेंगे और उसको जो second attachment है component का उससे पहले हम उसको रखते हैं. जैसे अगर हम ये वाला example लें जिसमें कि हमारे पास fusion compound है, तो एक हमारा base component हो गया, एक हमारा attached component हो गया. तो यहाँ पर जब हम इसकी numbering करते हैं तो starting from the attachment of the fusion ring, oxygen से start करते हैं हम, तो यहाँ पर 1, 2, 3 और फोर्थ पोजीशन हमारी यहाँ पर आ जाएगी, बेस कंपोनेंट में आ जाएगी. और हम क्या देख रहे हैं कि सेकंड पोजीशन जो है हमारी वो सैचुरेटेड है और यहाँ पर जो अटैचमेंट है वो किस तरह से है, बी पोजीशन पर है. तो यहाँ पर हम इसको कैसे नॉमिनेट करेंगे, 2H फ्यूरो, बिकॉज फ्यूरान है ये, तो वो लास्ट में किससे हो जाता है, ओ से आ जाता है, जैसे बेंजो, फ्यूरो, पायरजीनो एंड सो ऑल. तो ये किस तरह से नॉमिनेट किया जाएगा, 2H फ्यूरो 3-2B पायरान. टेकिंग अदर एग्जांपल, फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम्स आर नंबर्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ द कंबाइनिंग यूनिट्स सच एज बेस एंड अटैच्ड कंपोनेंट. The numbering is started from the atom adjacent to the bridgehead position with the lowest possible locants to the hetero atom. If more than one hetero atoms are present in the compound, the hetero atom appearing first in the table one is preferred. यानी अगर हमारे पास दो एक जैसे hetero atoms हैं तो numbering कहाँ से, जो ब्रिज हेड पोजीशन है वहाँ से हम शुरुआत करेंगे. लेकिन यदि हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के हेट्रो एटम्स हैं तो ब्रिज हेड से तो स्टार्ट करेंगे ही सही, लेकिन हम क्या करेंगे, इफ़ मोर देन वन हेट्रो एटम इज़ प्रेजेंट इन द कंपाउंड, द हेट्रो एटम अपियरिंग फर्स्ट इन द टेबल इज़ प्रेफर्ड. तो जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग तो ब्रिज हेड से स्टार्ट करेंगे, पर हम लिखते समय इसको इस तरह से लिखेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल इस है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड एज क्विनेजोलीन. सिमिलरली दिस कंपाउंड, दिस इज 3-1 बेंजो ऑक्साजिपीन, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, इसलिए ये पूरा कंपाउंड क्या कहला रहा है, ऑक्साजिपीन. तो ऑक्सा अलग और एजेपीन को जब हम जोड़ देते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सेजेपीन. तो 3-1 बेंजो ऑक्सेजेपीन. कॉमन कार्बन एटम्स ऑफ टू रिंग इज गिवन द लोएस्ट पोजीशन बट इज नॉट नंबर्ड. कॉमन कार्बन एटम हो यदि दोनों रिंग्स के बीच में, इट इज गिवन द लोएस्ट पोजीशन बट इट इज नॉट नंबर्ड. जैसे ये वाला नंबरिंग नहीं किया गया है इसमें, तो यहाँ पर हमने किससे स्टार्ट किया, नाइट्रोजन एटम से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये वाला एटम नंबरिंग नहीं किया गया. तो सिमिलरली दिस इज कॉल्ड एज 1, 2, 4 ट्राई एजोलो, बिकॉज इट इज 1, 2, 4 ट्राई, क्योंकि तीन है और नाइट्रोजन तीन होने से ट्राई एजोलो, लास्ट में ओ आ गया, ट्राई एजोलो 4-3-A पिरिडीन. द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल हाइड्रोजन एटम इज इंडिकेटेड बाई इटैलिक कैपिटल एच विच विद इट्स लोएस्ट पॉसिबल पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक दिस 1H बेंजो पायरान, क्योंकि फर्स्ट पोजिशन जो है
वो इसकी सैचुरेटेड है, इसलिए 1H बेंजो पायरान। इन सिस्टमैटिक फ्यूजन नॉमेनक्लेचर द हेट्रो एटम एट रिंग जंक्शन इज असाइंड द इंडिविजुअल नंबर। दिस फ्यूजन, ये बेस हो गया हमारा, यहाँ पर हम क्या कहेंगे इसको, इमिडिजो 2,1-B ऑक्सीजो। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर्स। रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर कार्बन एटम ऑफ कार्बोसाइकिल बाय हेट्रो एटम। तो रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर कार्बन एटम ऑफ द कार्बोसाइकिल बाय हेट्रो एटम, यानी जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं और उसको हम कह रहे हैं कि हेट्रो एटम से हमने कार्बन को रिप्लेस कर दिया है। द करस्पॉन्डिंग कार्बोसाइक्लिक रिंग इज नेम्ड बाई द IUPAC रिंग। तो जो पूरी रिंग है उसको तो हमने IUPAC नॉमनक्लेचर का जो सिस्टम है उसी के अनुसार कर दिया। द हेट्रो एटम प्रेजेंट आर इंडिकेटेड एज प्रेफिक्स। कार्बोसाइक्लिक रिंग को तो हमने IUPAC के नाम के अनुसार ही नेमिंग करी, हेट्रो एटम जो प्रेजेंट है उसको हमने प्रेफिक्स के रूप में किया। इट इज़ द मोस्ट सिस्टमैटिक नॉमनक्लेचर, सिस्टमैटिक नॉमनक्लेचर है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कॉम्प्लेक्स फ्यूज रिंग सिस्टम इन केस वेयर दिस नॉमनक्लेचर, जो हैंड्स विडमैन नॉमनक्लेचर फेल हो जाता है ऐसे केस में हम रिप्लेसमेंट नॉमनक्लेचर को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अनयूजुअल हेट्रो एटम्स एंड फॉर ब्रिज्ड या फिर स्पायरो हेट्रोसाइकल्स। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक दिस इज, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन एटम ना हो के ये कार्बन ही होता तो दिस कुड हैव बीन कॉल्ड एज साइक्लोपेंटेन, पर क्योंकि यहाँ पर हेट्रो एटम है इसलिए हमने क्या कहा कि हम इसको प्रेफिक्स के रूप में यूज़ करेंगे, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सासाइक्लोपेंटेन। सिमिलरली दिस इज एजा साइक्लोप्रोपेन, एजा बेंजीन, दिस इज 1,3,5 ट्राई एजा बेंजीन, दिस विल बी कॉल्ड एज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में भी नाइट्रोजन कम्स फर्स्ट, सो 1-azo-4-phosphabenzene, phosphoazabenzene, तो पूरा जो नाम आएगा 1-azo-4-phosphoazabenzene। सिमिलरली दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, बेंजीन मतलब 6 कार्बन कंपाउंड है ये, तो 1,4-dioxa, दो ऑक्सीजन है तो दिस विल बी कॉल्ड एज 1,4-dioxacyclohexa, 2,5-di। लाइकवाइज वी कैन टेक वेरियस अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। द सीक्वेंस एंड नंबरिंग ऑफ हेट्रो एटम्स आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग रूल्स। सीक्वेंस एंड नंबरिंग ऑफ हेट्रो एटम्स, मतलब अगर हेट्रो एटम्स प्रेजेंट हैं तो उनमें क्या तो सीक्वेंस रखा जाएगा और किस तरह से हम नंबर देंगे हेट्रो एटम्स पे, उनके लिए जो रूल्स हैं वो हैं, हेट्रो एटम्स अपियरिंग हाईएस्ट इन प्रेफरेंशियल ऑर्डर आर चोजन एज फर्स्ट प्रेफरेंस, जैसे कि हम पहले करते थे कि लिस्ट में जो पहले हेट्रो एटम प्रेफरेंशियल ऑर्डर में है उसी को हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अदर हेट्रो एटम्स इन द प्रेफरेंशियल रोल आर चोजन एज सेकेंड प्रेफरेंस, मतलब उसके बाद नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट ऑर्डर में आता है वो। मल्टीपल बॉन्ड्स आर सिलेक्टेड एज थर्ड प्रेफरेंस। फोर्थ रूल क्या है, सब्सटीट्यूएंट्स आर सिलेक्टेड एज फोर्थ प्रेफरेंस, जो सब्सटीट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं वो फोर्थ प्रेफरेंस पे आएंगे, एंड इफ देयर इज अ चॉइस देन अल्फाबेटिक प्रेफरेंस इज कंसिडर्ड। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूज्ड हेट्रोसाइकल एंड रूल एप्लीकेबल फॉर सम कंपाउंड्स कैन बी शोन एज दिस। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल यदि हम ले, द करस्पॉन्डिंग कार्बोसाइक्लिक रिंग सिस्टम विथ सैचुरेशन इज डेजिग्नेटेड विदाउट यूजिंग प्रेफिक्स फॉर एच एटम, द नेम ऑफ कंपाउंड रिटन इन इट्स स्टेट ऑफ सैचुरेशन। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, नंबरिंग हमने कहाँ से शुरू करी, नाइट्रोजन से शुरू करी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, फिर नंबरिंग करते हुए हम आगे बढ़े तो हमारे पास
वन नाइट्रोजन से हमने स्टार्ट करा है, तो हमारे पास सेकेंड पोजिशन पे क्या है, ऑक्सा है, ऑक्सीजन है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज टू ऑक्सा, देन थ्री थाया एंड वन एंड फाइव, वन फाइव दोनों नाइट्रोजन है, इसलिए डाई एजी इंडेन, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज टू ऑक्सा थ्री थाया वन फाइव डायजीन डेन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इफ यू टेक द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड और आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स. हियर वी हैव दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो यहाँ पर वन और फोर्थ पोजिशन पर हमारे पास दो ऑक्सीजन है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज वन फोर डाई ऑक्सा नैफ्थलीन, तो दिस विल बी कॉल्ड एज वन फोर डाई ऑक्सा नैफ्थलीन. अगर ये ऑक्सीजन एटम ना होते तो दिस वुड हैव बीन द कंपाउंड कॉल्ड नैफ्थलीन. सो नाउ दीज आर सब्सटीट्यूटेड बाई दो ऑक्सीजन एटम से सब्सटीट्यूट हो गए, तो ये क्या कहला रहे हैं, वन फोर डाई ऑक्सा नैफ्थलीन. सिमिलरली वी कैन टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, लाइक यहाँ पर अगर हम इस वाले कंपाउंड को लेते हैं, तो दिस कंपाउंड इज एक्चुअली फिनेंथ्रेसीन, पर क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन एटम हो गया है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज एजा फिनेंथ्रेसीन. सिमिलरली दिस इज कॉल्ड एज एजा नैफ्थलीन. अब यहाँ पर हमने वन पोजीशन क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि अगर इस पूरी रिंग में नाइट्रोजन एटम उपस्थित है तो वहाँ से ही हम इसको नंबर शुरू करेंगे, तो नाइट्रोजन होते हुए तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करें या नहीं करें इट कम्स टू द सेम थिंग, बिकॉज एक से अधिक नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट ही नहीं है. तो दोनों एग्जांपल्स में ही हम क्या देख रहे हैं कि एक एक नाइट्रोजन एटम ही प्रेजेंट है, इसलिए जहाँ भी नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा वहाँ से ही हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे नंबरिंग. तो चाहे हम इसमें वन नंबर लिखें या ना लिखें इट कम्स टू द सेम थिंग. तो यहाँ पर इसको हमने क्या कहा, एजा फिनेंथ्रेसीन, और इसको हमने क्या कहा, एजा नैफ्थलीन. लाइकवाइज वी कैन अंडरस्टैंड द नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड सिस्टम एज वेल एज दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर, यानी हम इसको हैंड्स विडमैन रूल से भी नॉमेनक्लेट कर सकते हैं, और इसको हम IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर प्लस जो फ्यूजन का सिस्टम है उन दोनों को इंक्लूड करते हुए इनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं.